हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताऊंगी, तो देख लीजिए। मैंने ये एक ब्लाउज ले लिया है। इसकी लंबाई जो रखी 13.5 है, चौड़ाई 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 है, आर्महोल की भी 5.5 है। 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए मैं गले की मार्किंग करी, नीचे के साइड से भी 3 इंच पर मार्क करके दोनों लाइन को बराबर करते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब गले की लेंथ लेंगे। ऊपर के साइड से 3 इंच रख रही हूँ, ये थोड़ा बोटनेक में, नीचे के साइड से पूरा लेंथ ऊपर से लेंगे 10 इंच। ये मैंने मार्क कर दिया 10.5 इंच नीचे पूरा खैर लेंथ था पूरा। दोनों साइड से मार्क करते हुए एक कॉर्नर में 1 इंच का मार्क करके यहाँ से पहले बोटनेक का मार्किंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बोटनेक की चौड़ाई और भी रख सकते हैं। यहाँ से मैं हार्ट मॉडल में मार्क करी, इस तरीके से हार्ट शेप में मार्क कर लीजिएगा। अब इसी की कटिंग भी करेंगे, तो जैसे मार्किंग के सेम मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लीजिएगा। कि मैंने देखिए हार्ट शेप में पूरा मार्किंग करके कटिंग कर दिया। इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक ले लिया, इसकी भी कटिंग सेम इसी तरीके से कर देंगे जैसे अस्तर का किए हैं। अब दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए एक साथ में पहले फैला लेंगे। तो मैंने ये फैला लिया। अब इसके गले पे सिलाई लगाएंगे अस्तर फैब्रिक को, दोनों को साथ में बराबर रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए दोनों को एक साथ में अटैच कर लेंगे। बीच से हम दो पार्ट में इसको करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ देंगे बीच में, फिर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। इसी तरीके सिलाई लगाते हुए पहले गले की पूरी अच्छे से स्टिचिंग करनी है आपको। जी मैंने कम्प्लीटली गले की स्टिचिंग कर दी है। बीच से एक कट लगाएंगे और इसके गले भी पूरे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। तो मैंने देखिए पूरा अच्छे से कट लगा लिया। कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट करके निकाल दीजिएगा। ये मैंने कट लगाने के बाद अब इसके कॉर्नर को पलट कर सीधा करेंगे। तो इसको प्रेस करते हुए सीधा कर लीजिएगा दोनों कॉर्नर को। नीचे का कॉर्नर जो उसको भी सीधा कर लेंगे पूरा अच्छे से। ये मैंने सीधा कर लिया। इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। इससे गले का डिज़ाइन जो है उभर कर दिखने लगेगा। तो मैंने ये देख लीजिए पूरा हार्ट शेप में एक गले की डिज़ाइन बना लिया है। अब इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके साइड से सिलाई लगाते इसकी पूरे अच्छे से पहले स्टिचिंग करेंगे साइड की। तो मैंने अस्तर और फैब्रिक दोनों को मिलाते हुए पूरा अच्छे से इस पर सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को एक साथ में अटैच कर लिया है। अब इसके नीचे की साइड से टक्स लगाएंगे, तो माप ले लेंगे और बराबर माप लेते हुए दोनों साइड से टक्स को लगाएंगे। तो मैंने देखिए एक साइड से टक्स की स्टिचिंग कर लिया, दूसरे साइड से भी इस तरीके से माप लेके कर देंगे टक्स को स्टिच। तो दोनों साइड से टक्स लगाने के बाद नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो इसमें मैंने फैब्रिक छोड़ रखा है बॉर्डर बनाने के लिए। इसको डबल फोल्ड करेंगे और फिर ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए नीचे का बॉर्डर पूरा सिलाई लगा के बना देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अलग से फैब्रिक ज्वाइंट करके भी बॉर्डर बना सकते हैं, अगर आप ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही पूरी लेंथ लिए हैं। तो मैंने पूरा अच्छे से बॉर्डर इसमें बना लिया है। इसे गले पे डिज़ाइन करनी, इसको साइड रखेंगे और डिज़ाइन करने के लिए मैंने देखिए एक पट्टी कट की है। पट्टी की जो चौड़ाई रखी 1.7 इंच है। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और बीच में इसके बराबर में फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगाते हुए साइड से पूरा इसको स्टिच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं इसकी स्टिचिंग कैसे करूँ। इसी तरीके से पूरी स्टिचिंग कम्प्लीटली कर लीजिएगा। एक साइड से मैंने ये सिलाई लगा लिया, दूसरे साइड से भी इसकी पूरी इसी तरीके से सिलाई लगा के पट्टी को पूरा बना लेंगे। तो मैंने ये पट्टी पूरी बना ली है स्टिच करते हुए। इसके डिज़ाइन करने के लिए कटिंग करेंगे, तो 1.5 इंच की लंबाई पे माप ले लेंगे और इसी बराबर में पूरी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ये माप ले लिया, इसी बराबर पहले इसको फोल्ड करेंगे। सबकी लेंथ 1.5 इंच ही होनी चाहिए। तो मैंने फोल्ड कर दिया बराबर में। इसको कटिंग करके दोनों साइड से अलग अलग पार्ट में करेंगे। तो मैंने ये पूरा कट करके इसको अलग अलग पार्ट में कर लिया। इसको रखेंगे और ब्लाउज लेंगे और ब्लाउज गले पे डिज़ाइन करेंगे। तो ये जो पट्टी मैंने अभी कट करके बनाई हुई है इनको डबल फोल्ड करेंगे। तो पहले इसके बिल्कुल कॉर्नर में ऊपर के साइड से एक लूप्स बनाते हुए इसका रखेंगे। तो डबल फोल्ड करके लूप्स बना लेंगे, फिर इसको रखते हुए पूरे गले पर स्टिच करेंगे। बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग भी रखते जाएंगे इसी तरीके से। गैपिंग रखते हुए बीच बीच में और लूप्स को डबल फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच करना है आपको। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे पूरे गले पे लूप्स बना लीजिएगा। और जितने कॉर्नर है ये बीच का जो कॉर्नर है हार्ट शेप का, इस पर भी एक लूप्स लगा लेंगे। इससे जब हम इसको डिज़ाइन को बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी और बराबर में आएगी। तो लूप्स देखिए बीच के कॉर्नर पर भी मैंने लगा दिया है
और ये लास्ट वाली कॉर्नर पे भी लगा लिया लूप्स मेरी। ये पूरा अच्छे से इसकी स्टिचिंग कर लिया है, लगाते हुए डिज़ाइन को बना दिया है। डेकोरेशन के लिए लेस लिए, लेस को बिल्कुल गले के कॉर्नर से रखेंगे और सिलाई लगाते हुए पूरे गले पीस को अटैच कर लेंगे। जहाँ से भी कॉर्नर है वहाँ से लेस को फोल्ड करते हुए वी शेप में कर लीजिएगा, इससे डिज़ाइन जो उभर कर दिखेगी। ये देख लीजिए मैंने सभी कॉर्नर से ये लेस को अच्छे से फोल्ड करते हुए स्टिच किया है। ये कम्प्लीटली पूरे गले पे लेस की स्टिचिंग हो चुकी है। अब जो मैंने फ्रिल बनाएंगे इस पर डिज़ाइन करने के लिए और डिज़ाइन बनाएंगे, तो मैंने देखिए एक ये पट्टी ली है। पट्टी की मैंने जो है लंबाई रखी है वो 3.5 इंच है। पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी हम साइड से पहले सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। देख लीजिए वीडियो में मैं कैसे इसकी स्टिचिंग करूँ, इसी तरीके से इसको डबल फोल्ड करते हुए पहले पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैंने देखिए पट्टी की पूरी अच्छे से स्टिचिंग कर लिया है। अब इसको पलट कर मैं सीधा करूँगी, तो इसको किसी भी चीज़ से प्रेस करते हुए पलट कर आपको सीधा करना है, तो मैं इसको पलट कर पूरा सीधा कर लूँगी। तो मैंने ये सेफ्टी पिन ले लिया, सेफ्टी पिन से भी आप इसको सीधा कर सकते हैं इस तरीके से प्रेस करते हुए। कि मैंने देखिए पट्टी को पूरा अच्छे से सीधा कर लिया। अब इसको हाथों से थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा फिर इसको, या फिर आयरन भी कर सकते हैं, इसे बराबर में आ जाएगा। तो मैंने जो ये पट्टी बनाई इसको मैंने पूरा आयरन कर लिया है हाथों से प्रेस करने के बाद। अब इस पर मैं फ्रिल की डिज़ाइन बनाऊँगी, तो देख लीजिए वीडियो में आपको क्लियर समझ में आएगा मैं इसका फ्रिल कैसे बना रही। इसी तरीके से पूरा फ्रिल इसका बना लीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली आपको ये फ्रिल बनाते हुए दिखा दिया, आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से बना लीजिएगा। तो ये मेरा बन चुका है, इसको मैं साइड रखूँगी और इसकी जगह पे ब्लाउज़ लेंगे। ब्लाउज़ गले पे इसको बनाते हुए आपको दिखाएंगे कैसे इससे डिज़ाइन किया जाएगा। तो चलिए इसको साइड रखते हैं और मैंने देख लीजिए इसको साइड रखते हुए ये ब्लाउज़ ले लिया है। अब ब्लाउज़ गले पे फ्रिल की डिज़ाइन को मैं कैसे अटैच करूँगी वो वीडियो में देखिए आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से बराबर रखते हुए जहाँ से भी कॉर्नर है वहाँ से थोड़ा सा इसको हम झुका लेंगे, इससे जो है डिज़ाइन अच्छी दिखेगी, हार्ट से भी थोड़ा बराबर में दिखता रहेगा। तो मैंने पूरा देखिए फ्रिल को अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर से एक लेस लगाते हुए इसको डेकोरेट करेंगे। तो मैंने एक लेस लिया है, लेस को इसके साइड से बिल्कुल रखेंगे, जहाँ से डिज़ाइन को स्टिच किया वहीं से लेस को भी रखते हुए पूरा अटैच कर देंगे गले पे। तो मैंने देखिए पूरे गले पे लेस को भी अच्छे से अटैच कर लिया है। अब जो ये लूप्स बनाए इसके बीच से मैं डोरी डालूंगी, तो डोरी ले लेते हैं। मैं मार्केट की जो डोरी मिलती है वही यूज़ कर रही हूँ, तो इसके जितने भी लूप्स हैं सभी के बीच से डोरी डालते हुए निकाल लेंगे दूसरे साइड से। तो मैंने देखिए ये पूरा डोरी आपको डालते हुए दिखा दिया है। अब ये जो डोरी डाले इसके दोनों कॉर्नर से मैं इसका फ्लावर बनाऊंगी। तो फ्लावर बनाने के लिए दो फैब्रिक स्क्वायर में कट के इनको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से क्रॉसिंग में, तो फिर इनको अच्छे से स्टिच करते हुए इनका फ्लावर बना लेंगे। इसी तरीके से दूसरे डोरी के कॉर्नर पर भी फ्लावर अच्छे से बना लीजिएगा। तो एक मैंने ये बना के दिखाया, दूसरा मैंने बना लिया है। अब डोरी को मैं इसके ऊपर की साइड अच्छे तरीके से बांध लेंगी। तो कम्प्लीटली मैंने अच्छे से पूरा डिज़ाइन ये बना लिया, मेरे डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब बनाने में भी सिंपल था। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जैसा ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।